हिमाचल प्रदेश में शहीद रितेश पाल के अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों की भीड़। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों समेत सैकड़ों की संख्या में नागरिक मौजूद रहे। बारिश के बीच घर के सामने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद के सम्मान में जमकर नारे लग रहे थे। सुबह मॉर्चरी से पार्थिव शरीर को सेना के ट्रक में रखकर शहर ले जाया गया, जिसके शहर से वापस शहीद के घर पूरे भैया लेकर। इस दौरान सैकड़ों लोग शहादत के सम्मान में नारेबाजी के साथ ही पीछे चल रहे डीजे पर भी गाने बजते रहे। सरकार ने 50 लाख की आर्थिक सहायता की। परिवार के एक सदस्य को नौकरी व एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम करने की घोषणा की, लेकिन ग्रामवासियों की मांग है कि इस प्रशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम शहीद रितेश पाल के नाम से किया जाए ताकि शहीद गौरव हमेशा बना रहे। जी, हम आज जो है श्री मूलचंद पाल जी के बेटे श्री रितेश पाल जी आज हिमाचल प्रदेश में मलानी में जो है सेना में मैकेनिक विभाग में जो है कार्यरत थे, और जो है सड़क बनाते समय जो है पहाड़ गिरने से जो है भूस्खलन होने से जो है इनकी जो है डेथ हो गई है। आज हम सब जो है शहीद के जो है अंत्येष्टि में जो है उपस्थित हैं, और हम लोग जो है प्रतापगढ़ में एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसमें जो है हम लोगों की जो है आकांक्षा है, पूरे जनपद की आकांक्षा है कि जो इस मेडिकल कॉलेज का नाम है वो शहीद रितेश पाल के नाम से रखा जाए, जिससे कि हम सभी जो है उनको हमेशा याद कर सकें। और जी, हम मुख्यमंत्री जी से जो है यह मांग करते हैं कि शहीद के नाम पर जो है अगर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा तो हम लोग जो है शहीद को जो है हमेशा याद रखेंगे। ये मांग परिवार की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है, आम जनमानस की है कि शहीद को उचित सम्मान मिले। मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे शहीद भाई के नाम हो, उसको सम्मानित किया जाए, और परिवार को जो शासन प्रशासन दे रहा है वो तो ठीक है, उसके संग संग उचित सम्मान के लिए मेडिकल कॉलेज का नाम, चूंकि नवनिर्मित है इसलिए मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे शहीद साथी के नाम दिया जाए। यही हमारे क्षेत्रवासियों के लिए सम्मान होएगा, इस प्रदेश के लिए सम्मान होएगा, और यही हम लोगों की मांग। हम ब्रजेश मांगे का सर, बहुत गर्व की बात है कि मेरा लड़का आज भारत माता के नाम से